सो फ्रेंड्स, आज हम साथ में हैं माइग्रेन के ऊपर बात करने के लिए। सो मैडम हमारे साथ है, शिवानी मैडम उनका नाम है। तो माइग्रेन का कंडीशंस, कुछ सिम्टम्स लेके आए हमारे पास, तो पहले उनको असेसमेंट भी करेंगे और फिर ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। बताइए मैडम, आपके पेन के बारे में थोड़ा सा। सर, मुझे महीने में एक दो बार माइग्रेन अटैक आता है और मेरी गर्दन पे काफ़ी दर्द रहता है। ओके फाइन। सो मैडम ने जैसे बोला कि गर्दन दर्द प्लस माइग्रेन का अटैक 80% लोगों में हमने देखा हुआ है कि इट इज़ मोर ओवर एसोसिएटेड। सो माइग्रेन काफ़ी आजकल मैं बोलूँगा पॉपुलेशन में इसलिए ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस सिटिंग जॉब नेचर, कॉन्स्टेंट मोबाइल फ़ोन, योर लैपटॉप, यू यूज़ योर सर्वाइकल इन सच अ वे कि जिसमें मिसअलाइनमेंट होती है और फिर ग्रेजुअली फिर कंडीशन आ जाती है माइग्रेन। आपने मेरे लास्ट कुछ वीडियोस देखे भी रही है, मैंने हमेशा बोला हुआ है वोल्केनो थ्योरी। सो एज पर वोल्केनो थ्योरी धीरे धीरे माइग्रेन की कंडीशन आ जाती है। तो अभी इनमें जैसे मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, इनका लेफ्ट फुट शॉर्ट था एज पर एकरमन 80% रूल। अगर लेफ्ट फुट शॉर्ट है तो लेफ्ट साइड में ही इनका सीटू ट्रांसलेट होगा और रोटेट होगा राइट साइड में, और वह उसके हिसाब से फिर C3 C4 वो सारे एडजस्टेड हो जाएंगे, मतलब मिस अलाइनमेंट। तो हमें इसका अलाइनमेंट करना है, तो उसके पहले हम पहले तो ऑस्टियोपैथी करके बैलेंसिंग करेंगे, फिर कायरोप्रैक्टिक करके हम लोग अलाइनमेंट करेंगे। ओके मैडम, टर्न टू वन साइड, बी कंफर्टेबल, थैंक यू। फर्स्ट मैं ट्रीट कर रहा हूँ SCM। ओके मैं इसको होल्ड करूँगा कुछ टाइम के लिए, फिर स्केलनी, फिर ट्रापेजियस। ओके फाइन, स्लोली मैडम इस तरफ घूम लें। ओके सेम मसल्स में यहाँ पे भी करूँगा ऑस्टियोपैथिकल रिलीजेस, SCM, स्केलनी, ट्रापेजियस। ओके फाइन, ओके ओके रिलैक्स 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 मैम, इवन प्लाटिज्मा भी मैं रिलीज करते चलूंगा मैडम का। सो इट विल हेल्प मी टू गेट कंप्लीट मसल बैलेंसिंग। एंड अभी मैं हूँ लेफ्ट साइड C2, रिलैक्स करके रोटेशन, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। ओके C3 C4, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। ओके और C5 से इसलिए भी साथ दीजिए, छोड़िए। ओके नाइस। सो अभी ये जो भी कुछ बैलेंसिंग हमने किया है ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक के साथ, कुछ कुछ पेशेंट को हम लोग फिर क्रिनील ऑस्टियोपैथी भी देते हैं। हमने देखा हुआ है कि क्रिनील ऑस्टियोपैथी देने के बाद और ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। तो माइग्रेन में हमने जनरली देखा है 3 से 4 सेटिंग बहुत हुआ एंड दे कैन हैप्पीली गेट दैट रिजल्ट। हम मैडम से भी एक बार पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। मैडम आप बैठ के चेक कर सकते हैं प्लीज। ओके आई फील फ्री। ओके ये फर्स्ट थिंग है कि जब अलाइनमेंट हो जाती है तो फ्रीनेस फील होना ही चाहिए। आप मुझे कुछ दिनों बाद बता सकते हैं कि आपका माइग्रेन का कंडीशन कैसा है? हमारे अभी भी 2 से 3 सीटिंग और बाकी है। ओके थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू। यू।